पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और तमाम राज्यों की तस्वीर साफ भी हो चुकी है। इन्हीं में से एक राज्य है पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। आम आदमी पार्टी पंजाब में फिलहाल 85 सीटों पर लीड कर रही है और 8 सीटें जीत चुकी है। ये 2:05 तक के अपडेट है। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान पहुंचे कुमार विश्वास के घर। कुमार विश्वास, जिन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल पर बड़े आरोप लगाए थे और कहा था कि अरविंद केजरीवाल पंजाब को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का नाम खालिस्तान के साथ जोड़ा था, उनके घर पहुंचे नरेश बालियान 500 गाड़ियां लेकर और उनको मिठाई खिलाने की बात कहने लगे। नरेश बालियान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि कवि को मिठाई खिलाने उसके घर आया हूं, वो 500 पुलिसकर्मी की सुरक्षा में घर में छिपे हैं और कह रहे हैं कि बोल दो कि वो नहीं है। अरे कविवर, आप पुराने साथी हो, मिठाई तो खाना ही पड़ेगा, हम आपके घर के बाहर हैं, इंतजार करेंगे, बाहर तो आना ही होगा कविवर। नरेश बालियान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तमाम तस्वीरें पोस्ट की, वीडियो पोस्ट किए, जिसमें वो कुमार विश्वास के घर के बाहर तमाम समर्थकों के साथ पहुंचे हुए हैं, उनके हाथों में मिठाई के डब्बे हैं, वो कह रहे हैं कि पंजाब में जीत की खुशी में कुमार विश्वास को मिठाई खिलाएंगे तभी वापस जाएंगे। वहीं पुलिस कर्मी उन्हें रोक रहे हैं ताकि वहां पर कोई अनचाही स्थिति ना पैदा हो सके। बता दें कि नरेश बालियान आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उत्तम नगर से विधायक हैं, DDC के चेयरमैन हैं साउथ दिल्ली में और आम आदमी पार्टी के पुराने नेता हैं। कुमार विश्वास के बयान जो पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आए थे उसको देखते हुए अब वो कुमार विश्वास के घर गए हैं उनको मिठाई खिलाने के लिए। और एक तरीके से ये तफरी लेने वाली बात है कि कुमार विश्वास, जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर तमाम आरोप लगाए थे, लेकिन उन आरोपों के उलट जनता ने आम आदमी पार्टी पर, भगवंत मान पर, अरविंद केजरीवाल पर एक तरह की मोहर लगाई है और पंजाब में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ गई है। बता दें कि पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से करीब करीब 85 से 90 सीटें इस समय आम आदमी पार्टी के पास जाती दिख रही हैं। यह आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। पंजाब की सत्ताधारी इंडियन नेशनल कांग्रेस इस समय 16 से 17 सीटों तक ही पहुंच रही है। बड़े नाम पंजाब में हार गए हैं, जिनमें पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और तमाम अन्य नेता शामिल हैं। हालांकि भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर फेस थे, उन्होंने एक बड़ी अंतर से जीत दर्ज की है और आम आदमी पार्टी के साथ साथ भगवंत मान को भी जीत मिली है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।